गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल चैनल ब्लॉग्स करण। तो जी, उस दिन होली वाले दिन हम ये दे नहीं पाए थे सामान, तो आज अभी भैया वरों को बुलाया। तो जी बस अभी ये देते हैं और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। ओहो, आज फाउंटेन चलाना भूल गए। तो जी फाउंटेन चला दें, ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो जी आज इन दोनों की छुट्टी है, गुन्नू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, प्रणव का एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है, उसके बाद ये जा रहे हैं बुआ के घर छुट्टियां मनाने। और फिर हम देखते हैं क्या करना, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, भैया लोग आए नहीं अभी तक, तो उनकी वेट करते हैं। फिर फटाफट शूज़ डाल के ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आज क्या करना है, कहाँ जाना है। क्या प्लान है आपके प्रणव, आपने तो पढ़ाई करनी है। अच्छा चलो ठीक है, आपकी होगी पढ़ाई, आपने तो फ़ोन से ही खेलना है, फ़ोन लेके ही खेलना है आपने तो, है ना, और कोई काम नहीं है आपका, है ना। फ़ोन मैं आज लेके जाऊंगा ऑफिस। हाँ जी ठीक है, चलो जी मिलते हैं। भैया अंदर आ जाओ, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, दोनों छुट्टी पे उसका, ठीक है, और ये दो फयाज भैया का। गार्ड कितने हैं मुझे? गार्ड अभी आप दोनों चावल चावल खा रहे हो, ऐसे मतलब ना। और कोई रह गया? ना। हो गया सबका। गार्ड कितना है नीचे? तीन है, ठीक है। आप ठीक है, मैं तरुण को दे देता हूँ। ठीक सामने। तो जी गार्ड भैया नहीं आए थे तो उनका हम लिफाफे में डाल लेते हैं और अभी ऑफिस जाते हुए दे देंगे। और कुछ देखते हैं कहीं पे हमारे को और लोग मिलेंगे तो ये डालते हैं। तरुण भैया क्या हाल है? पुलिस बुलाया वाला भाई बुला रहा है। हाँ वैसे तो आते नहीं हो, गाड़ी साफ कर दिया अंदर से ये भैया, वो इतने टाइम से मैं नहीं दे पाया, ये लो। लाल वाला चला गया? हाँ लाल वाला दीदी ले गया, दीदी का था। हाँ वो दीदी का था, दीदी ले गया, अभी सफेद वाला है। ठीक है अंदर से साफ कर दिया उसका मैट? अभी काट दिया, बाद में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है अभी झाड़ झाड़ दिया। ठीक है ठीक है तरुण भैया। तो जी निकल पड़े ऑफिस के लिए, तो अभी आप व्लॉग में जब देखेंगे कि हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सामान सब भैया लोगों को दिया। तो ये पहले भी मैं करता था बट बीच में ये ब्रेक हो गया, तो इस मंथ से मैंने दोबारा से शुरू किया उसको। कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू रहे और रुके नहीं, अच्छी चीज़ है करना। कई लोग इस चीज़ को कहते दिखाना नहीं चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से प्रेरित हों और इसको शुरू करें। तो छोटी छोटी खुशियाँ बांटना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अपनी अपनी कैपेसिटी में इस चीज़ को करें, बहुत खुशी मिलती है। चलो जी ऑफिस के लिए चलते हैं। तो जी बैक टू एक्सेंट, आ गई है एक्सेंट वापस, क्योंकि पापा के पास कल सीआरवी आ गई है,
तो अब हम एक्सेंट में ऑफिस जाना शुरू करेंगे दोबारा से। अरे लोकल ड्राइव के लिए सबसे बढ़िया है, तेल बहुत कम खाती है और माइलेज भी अच्छी देती है। चलो जी चलें ऑफिस के लिए, चाबी कहाँ है, चाबी पिछली पॉकेट में है। चलो निकलते हैं, लोग आ गए होंगे ऑफिस में भी। चलो जी बाय बाय। तो जी सामान दे दें गार्ड भैया को और फिर चलेंगे ऑफिस। भैया अभी आप कितने हो दिन में? क्या सर? दिन में कितने हो आप? दिन में 3 लोग। ये लोग, मैं घर बुलाता फिर लेट हो जाता। ये ले लो आप दे देना सबको, ठीक है? बाकी मैंने दे दिया है सबको। और नाइट में कितने? नाइट में है 2। दो नाइट को फिर घर पे भेज देना, ठीक है? हो गए ना ये, कितने हो गए? हाँ हो गए सर, हो गए 6 हो गए ना। हाँ, 2 2 4 नहीं 5 हुए ना ये? नहीं 6 हो गए। 6 हो गए, ठीक है भैया। तो जी बस चल रहे हैं अब ऑफिस की तरफ। बहुत ट्रैफिक है आज, ये तो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक था क्योंकि पिछले हफ्ते पूरा सुनसान बियाबान जंगल था क्योंकि सब लोग होली मनाने गए थे। आज तो देखो 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है इधर भी और इधर भी। अब देखते हैं रोड कैसे पार करनी है। चलो जी चलें ऑफिस के लिए। तो जी निकल पड़े हैं अभी अब ऑफिस से, अब जा रहे हैं अर्जुन मार की मार्केट। रोहन शॉपिंग करा रहा है मुझे और वुक्कू को। क्या क्या दिला रहे हो तुम अर्जुन मार्ग से रोहन? बर्गर का स्टोर। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तुरंत क्या लेके दे रहे हो? तुरंत आप दोनों की फेवरेट से चिंगम बीप। चिंगम बीप। तुम क्या ले रहे हो सुप्रीति वहां से? जो रोहन दिला दे। रोहन तुम्हारे ऊपर भाई डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तुम्हारा खराब करूंगा। तो जी वहां पे गया है कि अर्जुन मार्ग की मार्केट में ना एक शॉप है जहाँ पे ब्रेड पकौड़ा समोसा छोले भटूरे बहुत टेस्टी मिलते हैं, मतलब फेमस। रात को भी फेमस शॉप है वहाँ की? हाँ रात को भी। और साथ में वहाँ पे ना एक टुंडे कबाब की दुकान है जो कि उसके टुंडे कबाब भी बहुत टेस्टी हैं। अभी हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको वो शॉप भी बताते हैं कौन सी है और रोहन खिलाएगा तो हम खा भी लेंगे। और टुंडे ही होते हैं? टुंडे इज जस्ट अ नेम, मतलब लखनऊ के फेमस कबाब है टुंडे कबाब। मतलब होते वो गोल टिक्की की तरह ही है बट उन्हें टुंडे कबाब बोलते हैं। और हाँ वो जो सॉफ्ट होता है। अगर लंबा है तो पीने के लिए पानी ले लें? हाँ पानी ले सकते हैं, आगे भी चौक पे आएगी दुकान पानी की। ठीक है। चलो जी मिलते हैं अर्जुन मार्ग में। तो जी आ गए हम अर्जुन मार्ग की मार्केट डीएलएफ फेस 1। भाई साहब खचाखच पार्किंग भरी पड़ी है, पार्किंग नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है। रोहन पार्किंग का क्या करें भाई? कहाँ रही? ऐसे सामने ऐसे कर दो ऐसे। वहाँ गाड़ी लगेगी नहीं। लो जी यहाँ तो भूम भूम हो रही है, भूम 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 लग जाएगी यहाँ पे आवाज आ जाएगी। चलो जी ट्राई करते हैं लगाने की फिर चलते हैं अंदर। तो जी आ गए हम अर्जुन मार्ग, अब जा रहे हैं अंदर। ये यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट वे मार्केट भी है प्लस फूड जॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। बहुत टाइम पहले यहाँ पे मैं HDFC बैंक में था तो DMAT का ऑफिस हुआ करता था हमारा HDFC का, तो तब आता था। अब तो पता नहीं कितने सालों बाद आया हूँ मैं। तो जी अब देखते हैं क्या खाने को मिलेगा। अरे रोहन ये है समीर कुरैशी जो मैं कह रहा था ना तुम्हें, बहुत अच्छा चिकन है इसका। ये सामने, हाँ ये है वो जॉइंट समीर कुरैशी, बहुत बहुत यमी चिकन होता है। तो ये सारी मार्केट है, इधर भी मार्केट है। अब हम देखते हैं क्या हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जी यहाँ पे आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ दिस अर्जुन मार्ग की मार्केट। तो सामने यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की शॉप है, केमिस्ट है, कपड़ों की दुकान है और गर्ल्स की एक्सेसरीज भी मिलती हैं। और इसके पीछे खाने के जॉइंट हैं। तो अब हम जाएंगे उस जॉइंट पे जहाँ पे मिलते हैं ब्रेड पकोड़ा और समोसा जो कि बहुत ही अमी है यहाँ के, वो आगे है मार्केट में। अब चल रहे हैं वहाँ की तरफ। रोहन ये शॉप है ब्रेड पकोड़ा समोसा, बहुत ही अमी होते हैं। भैया समोसा कितने के? 70 रुपये। और ब्रेड पकोड़ा? आलू वाला 30 का है, आलू पनीर 35 का है। क्या खाना है रोहन? या नॉनवेज खाना है? नॉनवेज नॉनवेज। चलो जी ये कैंसिल हो गया, ये किसी दिन दिन में आएंगे ट्यूसडे वाले दिन।
यार थोड़ा तो रुक जाओ कम से कम, रुमाली रोटी तो आने दो। अरे वो तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है? जी आ गई। तो हमने समीर कुरैशी से लिया है चिकन मलाई टिक्का और रुमाली रोटी। अब सुक्कू रिव्यूज देगी ये खा के, ये कैसा है। सुक्कू वेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ यार। तुम्हारी एनर्जी कहाँ है? खाओ खाओ फटाफट खाओ। हाँ जी रोहन वेट हो रही है भाई, सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं। तो जी सुकृति को ये जगह पसंद आई और अप्रूव हो गई है। तो ये अर्जुन मार्ग DLF फेस वन की मार्केट में है, तो जहाँ पे सुकृति खा रही है वहाँ ज़रूर आके खाएं। बहुत ऑथेंटिक चिकन मलाई टिक्का है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और खा लेता हूँ पहले। तो जी खा लिया हमने चिकन मलाई टिक्का, अब निकल रहे हैं। सुकृति तुम जा रहे हो नोएडा या यहीं रुक रहे हो? मुझे लगा तुम्हारा मूड चेंज हो गया होगा, तुम रुक रहे होगे यहाँ पे। पक्का एक ही ड्रिंकिंग वाटर पीना था। चलो जी अब सुकृति को हम छोड़ते हैं मेट्रो स्टेशन और फिर हम भी चलते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं कुछ और है या नहीं तो गुड नाइट करेंगे। सुक्कू पक्का जा रहे हो तुम? यार वो पानी की बोतलें वेट कर रही है तुम्हारा। बाय बुक्कू, प्लीज बुक्कू के चैनल को भी सब्सक्राइब करें सुक्कू के नाम से। बाय। तो जी गंदे वाले जाम में फंस गए हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, ये जो गोल चक्कर है 56 वाला, पता नहीं भाई किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। टाइम हो रहा है रात को 8:30 और पता नहीं कितनी देर लगेगी घर पहुँचने में। तो इस टाइम पे इस रोड पे यूजली जाम मिलता है मुझे पता था, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग माय लक। और यहाँ पे एक बैरिकेड होता है राइट साइड पे, आज पुलिस वालों ने वो बैरिकेड खोला हुआ है, इस करके ये लग रहा है गंदे वाला जाम। तो अब हमारे को यहाँ से राइट लेके जाना है सीधा, तो देखते हैं अब कितनी देर में पहुँचते हैं घर। आज हो गई आपकी घूमी घूमी दोनों की? जिन जी मैक्सी मैक्सी जिन जी घुमाए आप दोनों? पापा के साथ नहीं जाना था आज? चलो जी आज का व्लॉग करते हैं एंड। गुड नाइट, शब्बा खैर। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दीदी।